City Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार, हरे कृष्णा। ज्ञानम महोत्सव में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम ज्ञानम महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन COVID-19 के चलते इस बार हम वर्चुअल ज्ञानम महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें देश के जाने माने धार्मिक गुरु, कला और संस्कृति और साहित्य से जुड़े लोगों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में हम ज्योतिष पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष पर भी विशेष रूप से जो विवाह से संबंधित बातें होती हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के व्यावसायीकरण पर, हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के और भी मुख्य जो पहलू हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ आज देश के जाने माने ज्योतिर्विद डॉक्टर निर्मलानंद जत्ती महाराज हमारे साथ ज्ञान महोत्सव में शामिल हैं। जत्ती महाराज, आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान महोत्सव में। दीपक जी, जी आपको बहुत बहुत बधाई इस महत्वपूर्ण ज्ञान प्रोग्राम के संचालन के लिए। और मैं सर्वप्रथम एक निवेदन आपको कर दूं पहले ही कि आपने इसको खंडित नहीं किया, इस प्रोग्राम को निरंतर सतत प्रक्रिया इस पर जारी रही, चाहे वो कोविड की वजह से आप इसको वर्चुअली ले आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और भविष्य में कृपया इसको जारी रखें। बिल्कुल, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो समाज के ज्वलंत मुद्दों को लेता है, समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में बात करता है, ज्ञान के बारे में बात करता है और बहुत व्यापक, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ होता है। तो हम जैसे लोग चाह करके भी समाज के प्रत्येक वर्ग से जुड़ पाने में असमर्थ हैं, समय के अभाव के कारण, दूरियों के अभाव के कारण, भाषा के अभाव के कारण, बहुत सारे कारण होते हैं जिससे हम लोग चाह करके भी उन लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। आप हमारी वाणी बनते हैं, हमारी आवाज बनते हैं, हमारे सहायक बनते हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपका मार्गदर्शन और आप जैसे प्रबुद्ध लोगों का आशीर्वाद जो है लगातार हमारे ऊपर बना रहे, हम यही कामना करते हैं। हम एक माध्यम है आपके और समाज के बीच का, जो कि आपकी बात को समाज के उन तबकों तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जहां तक आपकी और हमारी जो बात है वो सीधी सीधी नहीं पहुंच पाती है। ज्ञानम महोत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आओ चलें अध्यात्म की ओर, क्योंकि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि हम सभी जो है कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हमारी जो सनातन पद्धतियां हैं उनको हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो इन सबको हम वापस किस तरह अपनाएं, उसी पर ज्ञान महोत्सव का जो है आयोजन किया जाता है हर वर्ष। और इस वर्ष हम क्योंकि वर्चुअल कर रहे हैं COVID-19 के चलते, अभी कोविड जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो अभी भी हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, अभी भी हमें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। और अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जति महाराज, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिष जो है वो बहुत ही व्यापक जो है वो विषय है, इस पर हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज हम विशेष जो आपसे चर्चा करने वाले हैं वो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष जो है वो विवाह में किस तरह से लाभदायक हो सकता है, विवाह में किस तरह से इसके गुण और मिलान किए जाते हैं, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम ज्योतिष को कहां पाते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है वो यही रहेगा कि ज्योतिष आखिर क्या है, इसके क्या मायने हैं। दीपक जी, वास्तव में आपने जो कहा कि ये बहुत ही व्यापक विषय है, ज्योतिष एक शब्द है, लेकिन ये जिस तरह पर्यावरण एक पूरे ब्रह्मांड को प्रतीत करता है, प्रतिबिंबित करता है, ज्योतिष भी बहुत बड़ी चीजों को बहुत समाहित करता है। इसमें आयुर्वेद है और ज्योतिष की विभिन्न पद्धतियां हैं, चिकित्सा क्षेत्र में प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह है, सब ज्योतिष के अंदर ही समाहित है। और इसके उद्देश्य को अगर हम देखें तो समय बड़ा मानव, हम थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें समझने के लिए सनातन धर्म की ओर। जो भी कुछ ज्योतिष की परिकल्पना हुई या और किसी शास्त्र की हुई, वेद पुराण सूत्र वास्तु टीका महाकाव्य रचनाएं, मानव के कल्याणार्थ, मानव के सुखार्थ ही सबकी जो है सबको अभ्युदय हुआ है, सबकी रचनाएं हुई है, सबको प्राप्ति हुई है, रिसर्च हुई है, आज भी हो रही है। ज्योतिष भी उसमें से एक है कि किस तरह से मानव और जीव मात्र सुखी हो,
क्योंकि आप 2 मिनट मुझे इस विषय पे बोलने देंगे जी, पहले मैं आपको उसका बैकग्राउंड समझाऊं। तो मूल में सनातन धर्म में जो वेद की उत्पत्ति हुई तो ऋषि मुनियों ने महसूस किया कि जीव मात्र, प्राणी मात्र नहीं, पूरा जीव मात्र की जो प्रवृत्ति है जी वो स्वतंत्रता है और सुख है। सुख और स्वतंत्रता ये मूलभूत 2 तत्व है जो प्राणियों में, जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, वनस्पतियों सभी में, प्राकृतिक प्रदत्त सभी वस्तुओं में पाया जाता, सभी जीवों में पाया जाता, सभी प्राणियों में पाया जाता। अब सुख और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एक अलग विषय है जो कि सुख से जुड़ा हुआ है। जो आपने प्रश्न पूछा वैवाहिक जीवन, तो सुख से जुड़ा हुआ है। मनुष्य ने अपने सुख के लिए धीरे धीरे हर चीज का रिसर्च किया, हर चीज की को पाया, प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, महसूस किया, और जिन चीजों को उसने महसूस किया, जिस चीजों को जान पाया, उसको उसने लिपिबद्ध भी किया अपने तरीके से, गुरु का ज्ञान गुरुओं के द्वारा शिष्यों को भी प्रदत्त किया गया। धीरे 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 हम ज्ञान करा गए, और आज भी जितनी भी हमारे महाकाव्य है, पुस्तक है, ये जो आप जो संगोष्ठी कर रहे हो, ये उस ज्ञान के प्रचार प्रसार का ही भाग है जी। ज्योतिष के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ज्योतिष सुख के आधारों में वैवाहिक सुख को एक बहुत बड़ा सृष्टि के सृजन के लिए, उसके विस्तार के लिए, उत्पत्ति के लिए ये मुख्य कारक पाया गया। इसके अलावा सुख रहने गृहस्थी के रूप में रह करके वो अपने आप को सुखी पाता है, समाज में रह के सुखी पाता है, समूह में सुखी पाता है। जैसे अब समूह से अलग होता है वो दुख का कारण बन जाता है। जेल का प्रावधान है ये, और जिस तरह का जो प्रावधान है एकाकी का प्रावधान है, वो दुखों के अंदर जाता है। आध्यात्मिक को छोड़कर, आध्यात्मिक सुख का अलग विषय है एकाकी होना जी, एक समाज में रह करके अगर वो रहना चाहता है तो व्यवहार उसका एक सुख का कारण है। अब हम बात करते हैं ज्योतिष की, और आज के परिपेक्ष में ज्योतिष विवाह के जो आपका प्रश्न है, विवाह जी, सुखी विवाह रहे, सुखी जीवन साथी, दोनों जीवन साथी जो बच्चे हैं, दोनों जो पुरुष और स्त्री हैं, वो विवाह के रूप में जुड़ते हैं और जुड़ करके और अपने पूरे इस जीवन की बात ही नहीं, अगले जन्म तक की बात सोचते हैं, हम सुखी रहे, साथ में रहे, प्रेम प्रसन्न एक दूसरे के सुख दुख को बांटे, एक दूसरे के साथ हम संसार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। उस माध्यम को लेकर ज्योतिष के अंदर सब में पहले कुंडली मिलान का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अलग अलग वर्ग कालांतर से जब कालखंडों में देखते हैं, अलग अलग तो में देखते हैं, पेट में बच्चे थे तब विवाह वसनों के द्वारा होते थे, बच्चे उत्पन्न हो जाए तो बाल विवाह का भी प्रक्रम पिछले वगैरह चंद्र वर्षों तक रहा, अभी भी छुटपुट होता है, सामाजिक अपराध है। अब 2 अलग अलग परिवेश में जन्मे बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, उनको एक साथ रहने के लिए उनके स्वभाव अलग होते हैं, उनकी प्रकृतियां अलग होती है, उनके डीएनए अलग अलग होते हैं, उनकी सामाजिक जो रीति रिवाज सब अलग है। अब वो एक साथ रह पाएंगे या नहीं, ये परिकल्पना विवाह से पूर्व करना बड़ा कठिन काम है जी। इसलिए आध्यात्म के रूप में ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ और सुख को ढूंढने के लिए दोनों के गुण मिलान। अब गुण मिलान एक ज्योतिष में विवाह से पूर्व एक पद्धति है, कंप्लीट नहीं है, उसके लिए बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन वर्तमान में जो है वो खाली गुण मिलान ही प्रचलन में अधिक पाया जा रहा है, और उसके गुण धर्म भी बहुत सारे आ रहे हैं अपने आप, बहुत सारे गुण कम और दोष बहुत पाए जा रहे हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। कुंडली मिलान जी, जिसको प्राय कुंडली मिलान के लिए गुण मिलान के रूप में इस वक्त प्रचलन में समाज में है ये विषय। मेरा मानना है या मेरा अनुभव वर्षों से, मेरा 40-42 साल से इस लाइन में जो मैंने रिसर्च किया, आपका जो प्रश्न था विवाह का, इस पे जो मैं रिसर्च करता हूं तो हम पाते हैं कि विवाह से पूर्व कुंडली मिलान बहुत आवश्यक है। उससे हमें ये मालूम हो जाता है किसी भी व्यक्ति का किसकी मानसिक स्थिति कैसी रहने वाली है, इसकी मन स्थिति क्या है, जो खुद भी कई बार नहीं पहचानता है। बिल्कुल, जो ग्रह उनके दशाएं आती है उसके अनुसार उसकी प्रवृत्तियां बदल जाती है, उसके अनुसार उसका सोच बदल जाता है, उसका कार्य क्षेत्र बदल जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति वगैरह, सामाजिक स्थिति, सब तरह की यश अपयश सब बदलता रहता है। तो उसका एक माध्यम है ज्योतिष की कुंडली देखना, उससे समझ में आ जाता है कि लगभग इस तरह का उस व्यक्ति का जब जीवन समझ में आ जाता है तो उसके साथ में जो जीवन साथी रहने वाला है उसका जीवन भी इसी प्रकार हम समझते हैं जी। और दोनों में जहां हम समझते हैं समानता बहुतायत है, अनुमान 90% ऊपर मानते तो विवाह की बात है, 100% की बात कहना ये तो साक्षात नारायण के वश की बात है, मनुष्य रूपी कोई ब्राह्मण या कोई विद्वान या ज्योतिर्विद ज्योतिषी मैं ऐसी नहीं कह सकता।
अब ज्योतिष में भी दो तरह की चीजें हैं, एक होता है ज्योतिषी, एक होता है भविष्यवक्ता। यहां दो ज्योतिषों में भी दो तरह की स्थिति है, ज्योतिषी कोई भी व्यक्ति हो सकता है जी, भविष्यवक्ता कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता ज्योतिष के अनुरूप से। और बहुत सारी पद्धतियां हैं अध्यात्म की, उससे हो सकता है, लेकिन ज्योतिष के अगर हम बात करें फल के बारे में, तो ज्योतिषी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अध्ययन से या अध्यापन के द्वारा उसको बनाया जा सकता है, वो पढ़ते लिखे भी हो सकता है, उसको पढ़ाया भी जा सकता है, तो ज्योतिषी तो हो गया। लेकिन भविष्य कथन के लिए और किसी के जीवन को मिलाकर के, किसी का जीवन किसी के साथ जोड़ देने के लिए, उसके लिए उसको भविष्य कथन करना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा, और वो बिना साधना के मुझे नहीं लगता संभव है। तो जिन ज्योतिषों के साथ साधना जुड़ी हुई है उनका फलित कहीं अधिक होता है उससे जो ज्योतिष में जाता है जी। अब देखने में यह है कि साधना कम हो गई, ये प्रोफेशन के रूप में बाजार में ज्यादा आ गया, जैसे जैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ है देश में और ये आईटी क्षेत्र बढ़ा है, उसके बाद में ये प्रचलन में ज्यादा आ गया, इसका प्रसार हुआ, विस्तार हुआ, लोगों तक पहुंचा, ये तो बहुत अच्छा काम। महाराज हम ज्योतिष की जो व्यावसायीकरण है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा एक जो सवाल है वो आपसे ये, जैसे कि आपने अभी खुद कहा कि शादी से पूर्व ज्योतिष यानी कि जन्म पत्र मिलान जो है ज्योतिष के माध्यम से बहुत जरूरी होता है, लेकिन बहुत सी बार हमने ये भी देखा है महाराज कि बहुत से लोगों की जन्म कुंडियां मिलती ही नहीं है, उसके बावजूद उनका जो जीवन यापन है, जो वैवाहिक जीवन है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से चलता है। लेकिन बहुत सी बार ये भी देखा गया है इसके विपरीत कि जहां 36 में से 33 गुण, 34 गुण, 30 गुण मिल रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ कुंडली मानी जा रही है, उनके भी आज की तारीख में तलाक की नौबत आ रही है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं क्या आप इसको समझते हैं कि ज्योतिषों की कमी है, कहीं ना कहीं अध्यात्म के ज्ञान की कमी है, ज्योतिष ज्ञान की कमी है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो दीपक जी, मेरा इस संबंध में जो बात मैं जो बोलना चाहता हूँ, ये नहीं कहूंगा ज्योतिषों की कमी है, ज्योतिषी सभी विद्वान है, तो ज्योतिषी पढ़ने से नहीं बाइक भर्ती होता है, जिनको जिनको समाज ने ज्योतिषी मान लिया, खुद ने मान लिया, वो ज्योतिषी बहुत विद्वान होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि लंबे समय में व्यवसायीकरण के कारण या समाज में प्रचलन के कारण कुरुतु किसी भी तरीके से कुंडली मिलान की स्थिति तो हो गई कम, और कुंडली मिलान के नाम पर गुण मिलान का प्रचलन हो गया अधिक, ये समस्या वहां पैदा होगी। तो ये इस समस्या से कहीं ना कहीं आम जन जो है जिनको ज्योतिषों पर भरोसा है उनका कहीं ना कहीं विश्वास तो टूटता है ना? नहीं, उसके उसका कारण है, उस विश्वास टूटने के लिए सभी लोग उसके लिए जिम्मेदार है। नंबर वन, समाज में बहुतायत लोग हर ये समझते हैं जो भी ब्राह्मण बंधु है या जो भी मंदिर के आसपास में धार्मिक कार्य करने वाले लोग हैं, जिनने भी अपने नाम के आगे ज्योतिष लगा लिया, पढ़ के लिख के कैसे भी, वो समझते हैं कि ज्योतिष में परिपूर्ण है, इसकी कुंडली मिला लेनी चाहिए और उसके कहने के अनुसार वो शादी कर देते। ये ठीक उसी प्रकार है कि कोई आपका बीपी नापता है डॉक्टर और बाईपास सर्जरी की रिकमेंड कर देता है, गलत है। गुणा मिलान उस कुंडली मिलान का एक माध्यम है लेकिन संपूर्णता नहीं है, इसलिए परेशानी आ रही है। जहां आपने प्रश्न किया कि बिना कुंडली मिलान के ही श्रेष्ठ होते हैं, तो जो श्रेष्ठ संबंध है इसको आप यूं कह सकते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, स्वैच्छिक विवाह करते हैं या नास्तिक अपने आप को मानते हैं ऐसे ही कर लेते हैं पढ़े लिखे लोग, या यूरोप में करते हैं बिना कुंडली के, जहां भी है उनमें कुंडली मिलान का फार्मूला अप्लाई हो जाता है स्वतः ही। जो हमारे समाज में सनातन धर्म में या हिंदुस्तान में कुंडली दिखाने का जो उद्देश्य होता है परिवार के लोगों का, परिजनों का, वो यही होता है कि इसमें प्रेम को देखो कि दोनों आपस में प्रेम से रह पाएंगे कि नहीं, इनकी बौद्धिक स्थिति को देखो कि आपस के अंदर एक दूसरे के समझ के अनुसार जीवन यापन कर सकते हैं नहीं। कुंडली मिलान का जो मुख्य आधार है, जहां तक मैं मानता हूं या मेरे जो समझ आई है, बौद्धिक, मानसिक और सेक्सुअली, विवाह के लिए जो कुंडली मिलाते हैं उसमें तीन चीजें मुख्य होती है जी। इनमें से कम दो चीजें मिलना बहुत जरूरी है स्थायी विवाह के लिए, तीनों मिले तो श्रेष्ठ है जी। प्रेम विवाह में या बिना कुंडली के मिलान में जो शादियां हो जाती है वो सक्सेस हो जाती है, वहां मन मस्तिष्क में से एक और सेक्स, ऐसे तीनों में से तीन या दो मिल जाते हैं पहले से, तो उनके आकर्षण का जो विषय होता है किसी भी व्यक्ति का, स्त्री का या पुरुष का,
वो उसकी ज्ञान होता है या तो समय पहले जब देखता है कॉन्टेक्ट होता है तो या तो मन स्थिति उनकी चंचल हो जाती है, मन स्थिति उसकी प्रभावित हो जाती है, मन से वो आकर्षित होता है जी, या उसके साथ कहीं रहता है, सर्विस में रहता है, एजुकेशन में रहता है, कहीं भी, तो उसकी बौद्धिक या उसके बारे में सुनते उसके एक बौद्धिक रूप से प्रभावित होता है, उसके ज्ञान से, उसके विज्ञान से, उसके रहने से। तीसरा उसके शरीर से आकर्षण होता है, वो बहुत सुंदर दिखता है, वो आकर्षित होता है, वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ये तीन में से दो चीजें मिली होती है इसलिए वो पहले से ही मिल जाता है। अगर एक चीज मिली होती है तो विवाह से पूर्व भी संबंध टूटने की स्थिति रहती है, विवाह के तत्काल बाद भी टूटने की स्थिति रहती है। वो एक आकर्षण कौन सा, मात्र सेक्स और शारीरिक आकर्षण, उसके शरीर में उसको सुंदरता दिखती है, पुरुष को स्त्री की में और स्त्री को पुरुष की। लेकिन ये सुंदरता, लेकिन एक मिनट में इसको कंप्लीट करूं, मैं माफी चाहता हूं, आप समझो उसको, वो जो आकर्षण का विषय है वो तब तक रहता है जब तक वो उसको प्राप्त नहीं कर लेता। जैसे ही उसके शरीर को प्राप्त किया, किसी ने भी, लड़की ने या लड़के ने, विवाह से पूर्व अगर प्राप्त कर लिया तो शादी से पहले ही शादी टूट जाती है, प्रेम विवाह की बात बता रहा हूं, और या विवाह के पश्चात उनका आकर्षण खत्म हो जाता है, तो जिस चीज को पाना चाहता था पा चुका है। यहाँ मन और मस्तिष्क कहीं मिलान नहीं है, इसलिए जो आपका जो प्रश्न था कि बिना कुंडली के जो शादियां मिलती है वो इसलिए मिलती है, और एक प्रश्न, इस प्रश्न का आधा भाग और जो मुझे आधा मिनट और दे कि कुंडली में गुना मिलाने के बाद भी परेशानी क्यों होती है। मेरा आपसे सवाल यही था कि अगर हम शरीर की सुंदरता को देखें तो वो ज्यादा समय तक नहीं रहती है, ज्यादा ज्यादा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद भी तो जीवन शुरू होता है आपका, यानी कि कहते हैं कि 50 वर्ष के बाद जो है आपका वास्तविक जीवन शुरू होता है, उस समय आपको पत्नी की या फिर पत्नी को पति की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में हम गुण मिलान और कुंडली मिलान, इन दोनों में आप क्या फर्क समझते हैं और क्या समानता है? मेरा जो व्यक्तिगत मत है या जो बहुतायत में रिसर्च करने के बाद जो इसका उत्तर अगर लोगों ने प्राप्त किया वो ये, कुंडली ही मिलानी चाहिए, गुण मिलान तो ऑटोमेटिकली, अगर कुंडली मिल गई तो गुण मिलान तो स्वतः ही हो गया, वो सारणी अलग चीज है। इससे सारणी में बहुत सारी ऐसी चीजें जो बाल विवाह के समय या पैतृक समय में या उनका एक अपना रहा होगा कोई पेरेंट्स आज की तारीख में, क्योंकि आज जो विवाह हो रहे हैं वो 20 साल से ऊपर के बच्चों के ही ज्यादा हो रहे हैं, अमूमन एवरेज शादी की 30 साल के ऊपर चले गई है जी। कैरियर उसका बहुत बड़ा कारण बना है कि कैरियर बना करके ही आदमी चाहता है, 25-30 के बीच में ही शादियां विशेष हो रही है, 15-20 की नहीं हो रही है, तो वहां एक और फैक्टर काम करता है, बौद्धिक उसकी स्टेटस, उसका बौद्धिक स्टेटस, अर्निंग, उसकी जो आय का स्रोत क्या है, ये सब चीजें उसमें मिलाई जाती है। कुंडली मिलान में जब ये समझ में आ जाए तो उनका लग्न बराबर है, कुंडली अमूमन कुंडली ही देखनी चाहिए, कुंडली देखते भी है लेकिन वो आधी कुंडली देखते हैं, उस कुंडली का जो मूल उद्देश्य है वो अभी सिर्फ ये समझ लिया कि पूछने वाला नहीं पूछता है, ज्योतिषी क्या करे, सर मंगली है क्या, इसमें काल सर्प दोष है क्या, ये सुखी तो रहेंगे, तो सुखी बस यहां प्रश्न खत्म हो गया। बुद्धि प्रबुद्ध जन जो देखते हैं कुंडली वो सीधा देखते हैं 1, 4, 7, 8, 12 मंगल बैठा है क्या, कोई शनि राहु बैठा है क्या, ढूंढ रहे क्या, मंगल है डबल मंगल है, अच्छे अच्छे विवाह को खत्म कर, अच्छे अच्छे मेलापक यानी अच्छे जोड़े बन सकते हैं समाज में, उनको सिर्फ इस मंगल दोष और प्रत्येक प्रकार के राहु दोष और चुंडले मंगल दोष और पता नहीं कितने दोषों के साथ कर, और विवाह कराने का एकमात्र साधन 27 से ऊपर गुना मिल गए, 36 टोटल मिलते हैं, 34-35 मैक्सिमम मिलते हैं, बस वो 28 से ऊपर में लिख दिया कि कोई किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। अब वो, और जबकि दीपक जी आप जो कह रहे हो, मेरा बहुत सारा अनुभव है, जड़ कुंडलियां मैंने इस विवाह देखी, मैंने रिसर्च किसी विषय पे किया, 28 से 32-33 जो गुना है ना मैक्सिमम, जहां कोई दोष नहीं बताते जी। सारा विवाह की परेशानियां सबकी इस गुना में है, और मेरी इस बात की कोई पुष्टि करना चाहे कोई भी व्यक्ति तो 5 से 6 परिवार अपने घर में ही देख लें जिनके कोई डिस्प्यूट चल रहा हो किसी प्रकार का, मानसिक और किसी प्रकार की परेशानी जी, उनके गुना मिला के देख लो आप 28 से प्लस मिले। बिल्कुल, मैं आदर्श, मेरा सवाल जति महाराज आपसे यही है कि अगर क्योंकि जब मैं, मेरा उदाहरण एक आपको छोटा सा देना चाहूंगा कि जब मेरी 24 साल पहले शादी हुई थी, जब दो परिवारों ने एक दूसरे परिवार के गुण देखे थे,
हमारी जन्म कुंडली मिलान नहीं हुआ था और उसके बाद हमारी शादी हो गई। लेकिन अभी जब मैंने 2 साल यानी कि शादी के 22 साल के बाद जब मेरी और मेरी धर्मपत्नी की कुंडली मिलान की तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये शादी उपयोग में नहीं हो सकती, यानी कि ये शादी उचित नहीं है। तो अब इसका हम क्या अर्थ लें, जबकि 24 साल से हमारा जो वैवाहिक जीवन है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, तो कुंडली नहीं मिली लेकिन हमारा वैवाहिक जीवन फिर भी अच्छा चल रहा है, तो क्या हम जरूरी है कि कुंडली ही मिलान करें? दीपक जी, मैं ये बात आपको अभी बोला फिर मैं बोलता हूँ, जो कुंडली मिलान का जो मुख्य मुख्य जो ध्येय होना चाहिए जी, मन मस्तिष्क और शारीरिक आकर्षण या शारीरिक सुख, उनमें से दो चीज आप वाला अगर उदाहरण दे तो उसमें से दो चीजें पहले मिल चुकी है, परिवार के लोगों ने दोनों का दोनों की जो कहते हैं जोड़ी मिलनी चाहिए राम सीता जी से कृष्ण जी से, आपके दोनों की पारिवारिक स्टेटस के हिसाब से मिला चुके हैं, शारीरिक हिसाब से दोनों की उम्र के हिसाब से बच्चों को दिखा के देख के बुला लिया कि जोड़ी अच्छी जाएगी, वो बुद्धिजीवी लोग हैं पुराने, उन्होंने शारीरिक भी मिला लिया आपका बौद्धिक भी मिला लिया और परिवार के स्टेटस के हिसाब से उसकी बुद्धि जो है ना वो जीन्स डीएनए के द्वारा ट्रांसफर होती है, यहाँ संगत से उससे बदल तो जाती है लेकिन ब्लड में जो डीएनए होता है वो बोलता है, तो वो पहले मिला चुके हैं। अगर इसमें एक शब्द और जोड़ दें गोत्र, वो जो गोत्र मिलाते थे ना वो भी इसका एक सिद्धांत है बुद्धि मिलाने का और उसके गुणधर्म को मिलाने का, तो उस व्यक्ति में किस तरह के गुण है, किस तरह के डीएनए, गोत्र सीधा डीएनए से जुड़ा हुआ प्रश्न है जिसको आप देखते ही हैं। हमने जैसे जैसे हमारे सनातन धर्म में हमारे बुजुर्गों द्वारा शास्त्र द्वारा इस मिलान की पद्धति को बताया था, उसको सरल करने के लिए इजी करने के लिए धीरे धीरे उसका जो है क्षय हुआ है और उसके दुष्परिणाम है जो प्रश्न आप किए जा रहे हो और जो समाज में देखे जा रहे हैं, अदालतों से लेके वहां तक, एक दिन की शादी, 15 दिन की शादी, 2 महीने की शादी, एक व्यक्ति की 4-4 बार शादी, ये सब उसके दुष्परिणाम है, जीवन ही दूषित हो गया जी। इसलिए अगर किसी का बौद्धिक मिलान होता है आज की तारीख में तो कुंडली मिलान जरूरी नहीं है, उसको अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी समझ है, बहुत अच्छी बात है। उसमें वर्तमान में जति महाराज, वर्तमान में हम देख रहे हैं कि लोग अपने गोत्र में ही शादी कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने नजदीकी रिश्तेदारों में भी शादी हो रही, तो इसका क्या दुष्परिणाम आता है? एक तरफ जब हम सालों साल पहले या हमारे धर्म की पुस्तकें पढ़ते हैं या हमारे सनातन संस्कृति को देखते हैं तो हमेशा 3 से 4 पीढ़ियां, 5 पीढ़ियां, 6 पीढ़ी छोड़ के फिर विवाह किया जाता था, लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि एक ही गोत्र में शादी हो जाती है और नजदीकी रिश्तेदारों में भी शादी होती है, तो इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं? इसके दुष्परिणाम ये होते हैं दीपक जी कि स्वास्थ्य बहुत जबरदस्त प्रभावित होता है, नंबर 1। जो आप देखोगे पहले दवा बहुत मुश्किल से ली जाती थी, आज विवाह के पश्चात या विवाह से पूर्व भी मेडिसिन चालू होती है पुरुष या स्त्री में से किसी की जी, चाहे विवाह के पश्चात तो चालू हो ही जाती है, आपका जो प्रश्न है विवाह के पश्चात का प्रश्न है बिल्कुल, क्योंकि विवाह के पश्चात जब उनके शारीरिक रिलेशन होते हैं, जब साइंटिफिक दृष्टिकोण से जो है आपके हार्मोन से बहुत सारी चीजें आदान प्रदान होती है, बॉडी की संरचनाएं बदलती है दोनों की, तो कई प्रकार की उनमें बीमारियां होने की संभावनाएं व्याप्त होती है और कई प्रकार की हो भी जाती है, अंतरिक्ष बीमारियां हैं, बहुत तरह की बीमारियां हैं जो समझ नहीं आती है। आप देखोगे बहुत सारे महिलाओं के अगर इस तरह की कोई समान गोत्र में हुई है वो हमेशा किसी न किसी रूप को लेके उसका रुग्ण रहती है, महिला या पुरुष दोनों में से कोई ना, कारण जो शरीर में वास्तविक तकफ है या शरीर के अंदर जो आपका रजोगुण तमोगुण सतोगुण है ये सब प्राकृतिक चिकित्सा का विषय है, ये तो ये गड़बड़ा जाता है, ये दोनों जैसे शारीरिक रिलेशन होते हैं उनके ये गड़बड़ा जाता है और इनसे भयंकर डिजीज होने की संभावना होती है। दूसरा संतति उत्पत्ति में, संतान उत्पत्ति में बहुत सारे संतान में विकृतियां हो सकती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कई तरह की जो है विकृत संतानें पैदा हो सकती है। उसका सीधा सीधा था कि डीएनए गोत्र जो चालू हुए वो ऋषियों से चालू हुए, हम सभी सब ऋषियों के संतान मानते हैं, वहां से ही गोत्र प्रथा चालू हुई, इसलिए वो 4 गोत्र मिलाए जाते थे और पुरुष का गोत्र विशेष मिलाया जाता है। उसका कारण है कि एक्स और वाई गुण जो होते हैं डीएनए में, गुणसूत्र होते हैं जिनसे स्त्री पुरुष की उत्पत्ति होती है, वो एक्स एक्स मिलके स्त्री उत्पन्न होती है, कन्या उत्पन्न होती है और बालक के उत्पन्न होने के लिए वाई गुण सूत्र वो कारक होता है, इसलिए पुरुष का गोत्र विशेष माना गया उसमें,
और उसको टाला गया है, वो हर स्त्री में 50% होता है, उसमें बराबर होता है स्त्री में, इसलिए वो चार गोत्र तक उसको टालते हैं माँ के गोत्र को, माँ नानी दादी का, कि उसके फिर 50-50% घटता चले जाता है, दूसरे पुरुष से उसके विवाह होता रहता है और संतति होते होते चार पीढ़ी में जाकर के वो गुणसूत्र का जो है वो खत्म होता है जी। इसलिए चार गोत्र टालने का प्रावधान था ताकि वो स्वस्थ रहे, उनके शरीर स्वस्थ रहे, बुद्धि विवेक स्वस्थ रहे, उनके होने वाले संतान भी स्वस्थ पैदा हो। बिल्कुल। अब जी, अब जो विकार पैदा हो रहे हैं ना मानसिक रूप से, और ये बहुत सारे आप देखोगे, अब उसको अभी जनरल वे में ले जाओगे तो बहुत सारा खान पान को दोषी मानेंगे, वो तो है कारण उसका, लेकिन ज्योतिष के अनुसार अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से उसको इसीलिए टाल देते गोत्र को कि आपस के अंदर इनकी शारीरिक स्वस्थता रहे, इनके संतति उत्पन्न ठीक रहे और उनका जीवन सुखी रहे। जी बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि अच्छे ज्योतिर्विद के पास जाकर वो ज्योतिष से अपनी गणना करवाएं वैवाहिक जीवन की, ताकि उनका जीवन जो है वो सुखद रहे। यहाँ पर जती महाराज, मेरा एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने शुरू में कहा कि हर व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली, जो वैवाहिक जीवन की कुंडली है, उसको मिलान करके ही शादी करनी चाहिए। एक सवाल तो ये रहा कि उनकी जन्म पत्री मिलाकर उनको विवाह करना चाहिए। दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि राम मिलाई जोड़ी, यानी कि भगवान ने पहले से ही ये तय कर रखा है कि किसकी शादी किस लड़की से या किस लड़की की शादी किस लड़के से होगी। तो जब ये भगवान ने ही तय कर रखा है तो फिर हम ज्योतिष के पास क्यों जाएं, ज्योतिषियों के पास फिर हम हमारी जन्म कुंडली क्यों दिखाएं? दिखाना इसलिए चाहिए कि जिस भगवान की जोड़ी मिलाने की बात भगवान द्वारा कह रहे, उसने विवेक भी दिया आपको, बुद्धि भी दिया आपको, तो ज्योतिष से नहीं मिलाए, स्वतः मिलाते हैं ना लोग, अपने परिवारों को मिलाते हैं, अपने परिवार के संस्कारों को मिलाते हैं, उन बच्चों की उम्र को मिलाते हैं, उनके शारीरिक जो है संगठना उसकी बॉडी के हिसाब से वही है, इसके साथ इसकी मैचिंग ठीक है, ये मिला लेता है समाज, पर्याप्त है। और आज की तारीख में तो मैं मानता हूँ इसकी आवश्यकता आगे भी नहीं है ज्योतिष की। पहले जब बच्चों के विवाह होते थे, बाल विवाह होते थे, अंधकार में रहता था भविष्य कि बड़ा होकर किस तरह का बनेगा, जैसे बच्चों के जन्म से लेकर के युवा होने तक और बढ़ने तक कई बार स्वरूप बदलते हैं, कई बार उसका शक्ल बदलती है, उसकी अकल बदलती है, सोच बदलती है, तो वो उसको समझने के लिए जो है ना जन्म पत्री देखते थे कि जीवित भी रहेगा कि नहीं, इसलिए देखते थे। तो समय पहले आयु के लिए जन्म पत्री बच्चों ने देखी जाती थी, आज भी जो है जन्म पत्री सिर्फ इसलिए मिलाई जाती है कि वो जोड़ी दीर्घायु हो, वैधव्यता नहीं हो, विधवापन महिला के साथ नहीं हो, पुरुष के साथ नहीं हो, इसलिए उनकी कुंडली मिलाने में जब कभी जाए, मेरा आपके माध्यम से विनम्र प्रार्थना रहेगी सभी को कि आप जाके और किसी भी ज्योतिषी से जिनसे मिलाते हैं उससे प्रश्न, चार पांच प्रश्न अवश्य करें कि उसकी आयु दिखवाएं कि इनकी दीर्घायु रहेगी जी, इनकी संपन्नता रहेगी, इनका मन अच्छा रहेगा, इनकी शांति रहेगी, संतान उत्पत्ति ठीक रहेगी, बस इसी के लिए मिलाते हैं, वो गुण मिलान तो स्वतः ही हो जाएगा। बिल्कुल। होता क्या है, वो जाते पूछते हैं, अच्छा कोई बता भी देता है, मान लो मेरा साथी बता भी देता है सब कुंडली बहुत अच्छी मिलती है, उनका प्रश्न होता है गुण कितने मिले, या बाद में आता है टेलीफोन कि हमारे महाराज तो करे गुण मिलता ही नहीं है, हमारे महाराज तो करे इसमें गुण, और मना कर देते हैं उसमें, तो वो कहते हैं हम तो 32 मिलते हैं। ये जो भ्रम है ना, यह आस्था का अभाव है, ये व्यवसायीकरण जो हुआ इसका, ये उसका दोष है। आस्था उस व्यक्ति में होनी चाहिए जिसमें, क्यों मैंने क्या कहा, ज्योतिष और भविष्योक्ता दोनों अलग अलग है। आस्था कब होगी आपकी, जब आप निरंतर किसी से जुड़े रहेंगे, निरंतर उसके बारे में विश्वास करेंगे, निरंतर उसके ज्ञान को जानेंगे। अब बार बार आप जो एड के माध्यम से नए नए लोग आते हैं उनसे जुड़ते हैं, उनका उद्देश्य आपसे जुड़ा हुआ ही नहीं है, उनका पैसा लेना उद्देश्य है आपका, उसकी पूछ के आना, जितना ज्यादा उसकी फीस होती है आपसे प्रभावित हो जाते हैं, वो उससे आपसे कभी मिलेगा नहीं। पहले क्या होता था, एक परिवार गांव और सबका एक कोई भी ब्राह्मण होता था मंदिर से जुड़ा हुआ है, उनके घर से जुड़ा हुआ, इसी तरह नारी भी होता था, कुमार, सब समाज की इसी तरह से संरचना की गई है, इसी तरह से व्यवस्था उन द्वारा स्थापित की गई ग्रामीण जीवन से लेकर के यहाँ तक, तो वो जाएगा कहाँ तक, इसलिए वो उनके बारे में जानता था, आदि भविष्यवाणी तो उसको वैसे ही मालूम थी जी, इसका बच्चा कैसा है, इसकी बच्ची कैसा है, ये कहा, और फिर लिहाज भी था उसको, परिवार संयुक्त परिवार था, एक दूसरे दफ्ते भी तो विवाह निभ जाते थे। बिल्कुल। स्वतंत्रता और निजीपन, ये जो दो तत्व आ गए, और ये जो आपके सेपरेसी जो मीडिया ने दे दी, इसकी वजह से नियंत्रण विहीन हो गए बच्चे, बस वो निष्ठा के नाम पे, वो क्या है
बहुत सारे जो है विकृतियां पैदा हुई, और ये जो विवाह में जो आप तलाक की बात कर रहे हैं, और ये जो वो समाज के अंदर जो कलेश के है और सुंदर जोड़ियां नहीं बन रही है जी, उसका मुख्य कारण यही है कि ज्योतिष अकेला कारण नहीं है उसका, बहुत सारी चीजें और मिलती है। जति महाराज देखिए, लगातार हमारा जो प्रोग्राम है इस समय वो लाखों लोग देख रहे हैं, इस समय लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं आपके और हमारे, आपके जवाबों का और मेरे सवालों का, तो उसमें बहुत से लोगों ने मुझे सवाल भी लिखकर भेजे हैं जो कि आपसे पूछने के लिए। ये देखिए, कानपुर से राजेश बंसल जी का फोन आया, ये मैसेज है मेरे पास। राजेश बंसल जी कानपुर से ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मेरे बच्चे की शादी जो है वो 1 महीने पहले हो गई है और अब उनकी कुंडली नहीं मिल रही है और उनके आपसी वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, तो उनको क्या उपाय ऐसा करना चाहिए कि उनका वैवाहिक जीवन सुखद हो सके? यानी कि विवाह के बाद अगर कुंडली नहीं मिल रही है, उनके आपसी झगड़े हो रहे हैं, तो उनको, बच्चों को ऐसे क्या उपाय करवाने चाहिए जिससे कि उनका वैवाहिक जीवन सुखद हो? मैं इनको ये सलाह दूंगा जी, उन्हें कुंडली को दोबारा दिखाएं ताकि उसके विवाद जो है उन दोनों के मध्य उसका कारण जाना जा सके। उसके मुख्य कारणों में 3 चीजें हैं ज्योतिष की दृष्टि से। परिवार की दृष्टि से तो वो कई बहाने बनाते हैं, सासू से, ससुराल से, वो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से दोनों स्त्री पुरुष में अगर भेद है, खाली वही विचारे मतभेद है, वही झगड़े का कारण है, कोई विवाद है, तो कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि इनकी वास्तव में मानसिक स्थिति दोनों की कैसे, मन स्थिति मिलती है नहीं मिलती है। चंद्रमा उसका मुख्य कारक होता है। कई बार क्या होता है, चंद्रमा दोनों का भिन्न होता है और उसकी वजह से मन स्थिति दोनों की अलग होती है। इसी तरह बौद्धिक होती है कि एक आदमी को कुछ चीज पसंद है, एक को नहीं पसंद है। इसी तरह शारीरिक भूख होती है विवाह के पश्चात की, जिसको सेक्सुअल सुख बोलते हैं, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं तीनों जो मैंने कहा विवाह से पूर्व, इसमें से कोई चीज भी जो अनबैलेंस्ड है राशि के स्वामी की वजह से है या उसकी डिग्रियों की वजह से है, कमजोरी की वजह से है, नीच का है, वकील, जो भी कुछ है, मंगल दोष है, शनि दोष है, राहु दोष है, जो भी है जी, उस दोष का निदान किया जाना चाहिए। उसके कई तरीके हैं, वो खान पान के द्वारा भी, जो उसको तत्व खराब क्या है तो उनके बॉडी के अंदर वो तत्व कम है जी या ज्यादा है, तो उसको डाइट के द्वारा भी, भोजन के द्वारा भी, आयुर्वेदिक औषध द्वारा भी जो है ना कम ज्यादा की जा सकती है। काउंसलिंग करके भी, उनको समझा करके भी उस स्थिति को एडजस्ट किया जा सकता है। रत्न विज्ञान भी उसमें कारण है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है वो, लेकिन फिर भी उसके सोच में हल्का सा परिवर्तन किया जा सकता है। और पूजा पाठ के द्वारा या कोई मंत्र वगैरह बोल करके भी जो है उनके उस वेव्स को, उसकी ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है और सामंजस्य बैठाया जा सकता है। निश्चित तौर से हम उम्मीद करते हैं कि सही मार्गदर्शन के साथ आप अगर उपयोग में करेंगे, सही मार्गदर्शन लेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सही होगा। ये शिखा श्रीवास्तव जी हैं महाराष्ट्र मुंबई से, ये जानना चाह रही हैं महाराज कि लगातार विवाह के 7 साल के बाद उन्होंने कई ज्योतिषियों को अपनी जन्मकुंडली दिखाई, उन्होंने हजारों रुपए के स्टोन भी धारण किए, लेकिन बावजूद उसके उनके वैवाहिक जीवन में किसी न किसी तरह की कोई ना कोई परेशानी रहती है। तो आप महाराज बताएं, क्या स्टोन जो है ये पूछ रहे हैं कि उपयोगी नहीं होते हैं क्या, या किस तरह उपयोग में लिया जा सकता है? स्टोन, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था कि स्टोन इतने प्रभावी नहीं होते। स्टोन का काम खाद्य पदार्थ से भी किया जा सकता है, यंत्र पूजा मंत्र से भी किया जा सकता है। स्टोन एक बाजार में एक व्यवसायीकरण हो गया स्टोन के नाम पे। ज्योतिष के मूल में अगर हम जाएंगे बरसों पूर्व, तो स्टोन का कोई प्रथा थी नहीं। स्टोन दान करने की विषय वस्तु थी, पहनने की नहीं थी। राजाओं द्वारा दान कराया जाता था उन ग्रहों का, वो ग्रहों के स्वरूप माने गए हैं। स्टोन जो है रत्न जी, वो अलग अलग ग्रहों के स्वरूप के रूप में माने गए। वो अकेले स्टोन उसकी स्थिति को बदल दें, नामुमकिन बात है। ये उसी तरह से है कि आपके पूरे प्रोग्राम में टीवी में एक एंटेना लगा हुआ है, पिक्चर को थोड़ी सी हल्की सी क्लियर कर सकता है, बाकी न तो उसमें पिक्चर ला सकता है और न उसके अंदर उस सेट को चला सकता है जीवन को। इसलिए स्टोन पहनने से उनका पारिवारिक जीवन चल जाएगा, सुखी हो जाएगा, वो दोनों रह सकते हैं। मेरे हिसाब से नामुमकिन, हल्का सा परिवर्तन आ सकता है। उसके लिए उनको, जो भी बच्ची है महाराष्ट्र से, इनको बोले कि आप दोनों की कुंडलियां दिखाएं और इनमें जो तत्व कम है उनकी पूजा से, पाठ से, और अगर बहुत सारी मतलब मात्रा दोष की बहुत अधिक है, बहुत अधिक मात्रा है, तो फिर उसके लिए दूसरे उपाय भी किए जा सकते हैं, लेकिन वो
हवन से, पाठ से, पूजा से, मंत्र से उस वातावरण को बदला जा सकता है, और या फिर आशीर्वाद है तो वो आशीर्वाद भी अधिकतर उनके घरों में ही होते हैं, जो माता पिता दोनों के होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, बिल्कुल वो आशीर्वाद के स्रोत है, वो ऊर्जा को, वाइब्रेशन को बदल देंगे, या फिर गुरुजन है उनके जिनमें उनके आस्था है वो उसको बदल देंगे, वो उस दोष को अपने ऊपर ग्रहण करेंगे और अपने आशीष से उस वातावरण को बदल देंगे। खाली अकेला रत्न जो है उसमें मेरा कहना है ज्यादा पैसे खर्च नहीं करें, रत्न व्यवसाय व्यवसाय के लिए है, लाभकारी आपके लिए इतना लाभकारी। जति महाराज देखिए, लगातार भोपाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, यहाँ से बहुत से लोगों के सवाल जो है, मैं सब लोगों के नाम तो नहीं पढ़ जाऊंगा क्योंकि लगातार इनके जो है वो सवाल आ रहे हैं। एक सवाल जो इनका, अधिकतर लोगों का जो सवाल है वो ये है कि उनके बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, जबकि वो पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब कर रहा है, परिवार अच्छा है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन किसी भी कारण से शादी की बात चलती है और कहीं ना कहीं टूट जाती है। तो उन्हें ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनके लड़के की या उनकी लड़की की जो है शादी जो है सही समय पर हो जाए? देखो सर, ये जो समस्या है शादी नहीं हो रही किसी व्यक्ति विशेष की, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण, वो लड़का ही उस शादी के लिए मना करता है बार बार, हर लड़की को रिजेक्ट करता है, एक कारण जी। वो उसमें कहीं ना कहीं भय होता है शादी के बाद कि मेरे साथ क्या होगा, या मैं किस तरह रह पाऊंगा, या मेरी माँ से मोह होता है, पिता से मोह होता है, या उसके शारीरिक कहीं ना कहीं कोई कमजोरी होती है उसको लेके वो, या किसी ने डरा दिया होता है उसको, या आसपास का कोई वातावरण उसने देख लिया होता है, उससे उसको सुषुप्त मन में एक भय पैदा हो जाता है तो शादी को लेके, और वो डरने लग जाता है और आनाकानी करता है, विवाह को लेट कर देता है, कल अभी करूंगा, कैरियर बनेगा, और लंबा होने के बाद में फिर उसके उपयुक्त नहीं मिल पाती, नंबर वन। दूसरा कारण होता है कुछ पूर्व जन्म के दोष होते हैं जो उसके साथ में आए हुए होते हैं, उसकी आंखों में बोलते हैं, सब कुछ बात हो जाती है, लेकिन जैसे ही लड़के को कोई देखेगा, लड़की देखेगी या उसके घर वाले देखेंगे लड़की के, या कहीं पे बस उस लड़के को देखने के बाद में जो है कोई जवाब नहीं आता जी। यहां हम कहते हैं कोई ना कोई ऐसी छाया है, शेडो है, जो उसने बाधा पैदा करती है, वो उस व्यक्ति के साथ भी भाई जन्म चाह सकती है, या उस परिवार के अंदर भी कोई ना कोई, जिनको हम पितृदोष बोलते हैं, या उनके जो परिजन फिर मरने के पश्चात संगति को प्राप्त नहीं हुए, प्रेतात्माएं हुई है, या कोई ना कोई दोष होता है पहले से, उस दोष का की सजा उस बच्चे को मिल रही होती है, उस बच्चे का उसमें कोई नहीं है दोष जी, वो उसकी कुंडली से मालूम हो जाता है, या उसके घर में जिसको हम वास्तु दोष बोलते हैं, घर में जाने से मालूम हो जाता है। लेकिन इसके लिए क्या ऐसा उपाय किया जाए, क्या ऐसी पाठ पूजा की जाए, किस तरह का उपाय किया जाए जिससे कि उनका उनका जो विवाह है वो तुरंत हो जाए? सब मैं पहले कहूंगा, वो जिस परिवार में, उनके परिवार में जिसमें इष्ट की पूजा की जाती है, सबके अपने इष्ट होते हैं, सबके पारिवारिक पुरातन से चला आते हैं, कोई देवी उपासक होते हैं, कोई शक्ति उपासक होते हैं, कोई भैरव उपासक होते हैं, गोविंद उपासक, उसकी उपासना वो नहीं छोड़े, अगर वो उपासना करते हैं तो उसी को रहे, भिन्न भिन्न जाके अपनी एनर्जी को, अपनी आत्मबल को कमजोर न करें जी, उसी को करें। दूसरा, अपने जो पितृदेव हैं, जो भी उनके तत्काल 10-15-20 साल में उनकी नजर के अंदर कोई आदमी देवलोक पधारे हैं, उनमें से अगर कोई उनको दिखता हो तो उनको प्रणाम करें। तीसरा, घर का वातावरण अगर थोड़ा सा साफ सुथरा नहीं है तो जी पेंशन वातावरण साफ करें। चौथा जो है, किसी विद्वान को कुंडली दिखाएं, और मान लो कोई के संपर्क में नहीं है तो मेरी निःशुल्क सेवाएं हैं, आप उनको मेरा नंबर जो है वेबसाइट दे दें या व्हाट्सएप दे दें, मुझे किसी के नाम पते की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं किसी से कोई पैसे भी नहीं लेता हूँ, मैं समाज सेवा ही करता हूँ, ट्रस्ट अलग खुले हुए धर्म के, या उनके यहाँ आसपास में कोई धार्मिक स्थल हो वो धर्म के लिए मैंने उनको छोड़ा हुआ है, वो कर सकते हैं, मैं जो भी कर सकता हूँ उनको करूंगा, बाकी इसके लिए ठगाने की आवश्यकता नहीं है कुछ समय से। अच्छा, एक चीज और भूल गया मैं, कुछ कुंडलियों में विवाह का के देरी से होने के योग भी होते हैं जी, तो वो भी एक कारण है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि उसका विवाह 28 साल में होगा, 42 साल में होगा, 36 साल में होगा, कई बार उससे बड़ी उम्र की लड़की से होने के योग होते हैं, कभी छोटी से होने के योग होते हैं, तो ये लोग इसलिए शादी नहीं करते, उसको ढूंढते ही नहीं है कि प्रस्ताव है तो बहुत बड़ी है लड़की से या ये छोटी है इससे, तो ये अगर कुंडली में मालूम हो जाए इनको कि लड़की छोटी ही आएगी या बड़ी ही आएगी, तो आधी समस्या तो इनकी वहां मिट जाएगी, ये पैर देख के बराबर के शादी हो नहीं पा रही है। दूसरा, उसका योग जब आएगा तो 28 साल का हो जाने का आता है, 32 में आ जाता है, 36 में आता है, 42 में आता है,
या कई बार दुर्योग होते हैं तो उसकी पूजा कराने से हो जाते हैं, खंडित विवाह भी होते हैं, तो कई बार इसलिए वो योग ज्योतिषी से दिखाएं, किसी को भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कुंडली मिलवाए गुणा नहीं मिलवाए, उनको बोले कुंडली और उसमें एक दो प्रश्न जो है वो मूल विवाह से या स्वास्थ्य से या जैसे इन इन महाशय ने जो पूछा कि उनके विवाह नहीं हो पा रहा बच्चे का, अब उस बच्चे की कुंडली दिखाने समझ में आ जाएगा विवाह क्यों नहीं हो रहा है। अगर विवाह की उम्र नहीं आई है तो उनको बता दिया जाए कि आप इतने समय इंतजार करें, स्वतः हो जाएगा निश्चित। या कोई शारीरिक कमजोरी है तो उसकी काउंसलिंग करानी चाहिए, या कोई ग्रह बाधा दोष है तो वो देख करके, बाकी ऐसी कोई कारण नहीं है। और कई बार होता है विवाह के योग ही नहीं होते, लेकिन वो हजारों हजारों नहीं लाखों कुंडलियों में से कुंडली में इस तरह के होते हैं। निश्चित तौर से महाराज, आज की हमारी जो चर्चा है ज्ञानम महोत्सव के माध्यम से, जो लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे हम निवेदन ये करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार देखिए सवालों का सिलसिला जो है वो जारी है, लगातार सवाल लोगों के आ रहे हैं, लेकिन एक समय की सीमा भी है, हमें उस समय की सीमा का भी ख्याल रखना है। और मैं हमारे जो ज्ञानम महोत्सव के माध्यम से, सिटी लाइव के माध्यम से जो लोग इस समय हमको देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, वो अपना सवाल जो है नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं, या हमारे जो ज्ञानम फेस्टिवल की जो साइट है उस पर जा सकते हैं, या डॉक्टर निर्मलानंद जत्ती महाराज हैं उनसे आप सीधे फेसबुक के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और चलते चलते मैं डॉक्टर निर्मलानंद जत्ती महाराज आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे देश के लोगों को, हमारे सभी समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे ज्ञान महोत्सव के माध्यम से? मेरी विनम्र प्रार्थना रहेगी सभी बंधुओं से, उस चैनल के माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं, कि आप इस ज्योतिष के आधार पर अपने बच्चों के लिए या अपने व्यापार भविष्य के लिए कोई आर्थिक नुकसान न उठाएं, और सेलेक्टिव लोगों के पास जो भी जिसपे भी आपका विश्वास हो, आपके इर्द गिर्द मौजूद हो, उन पे विश्वास करें, उनकी योग्यता पे विश्वास करें और अपने कर्म पे विश्वास करें। बहुत अभी हो क्या रहा है कि ज्योतिष के हर प्रश्न का उत्तर वहां प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि ज्योतिष एक मार्गदर्शन है, एक अच्छे और बुरे समय का इंडिकेशन है। यह समय अच्छा है तो अच्छा समय बता दिया है, तो आप ये माने कि न्यूनतम परिश्रम में अधिकतम सफलता और अधिकतम परिश्रम में न्यूनतम सफलता, बस ये अच्छे बुरे समय की स्थिति है। और जो सेवाएं लेना चाहते हैं आप, चाहे व्यापार के लिए, गृह शांति के लिए, रोग निवारण के लिए, किसी भी प्रकार की जो जिससे भी आप परिवार में परेशान है, ये ज्ञानम माध्यम से दीपक जी जो ये बहुत धार्मिक पवित्र आदमी है, आप इनके जो भी इनका चैनल है उन पे आप दे दें, आप तक वो सब चीजें निःशुल्क और परमार्थ पहुंच जाएगी। डॉक्टर निर्मलानंद जत्ती महाराज, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हम ज्ञान महोत्सव के माध्यम से समाज और आम लोगों के लिए किसी न किसी विषय पर फिर एक बार उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए, नमस्कार। आपको और सभी लोगों को। City Live, a platform to sharing your thoughts.